नमस्कार, स्ट्रीट बज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रतिमा सांग। आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। देश की राजनीति के लिहाज से ये साल बेहद खास होने जा रहा है। दरअसल कई अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल समझा जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन पांच राज्यों में से चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है, जबकि एकमात्र पंजाब में कांग्रेस का शासन चल रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनाव चुनौती भरा होने वाला है, क्योंकि उसकी नज़र न सिर्फ चार राज्यों की सत्ता बचाने पर होगी, बल्कि पंजाब में भी सत्ता वापसी की कोशिश होगी। बात शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। राजनीति के लिहाज से यूपी देश का सबसे अहम राज्य है। यहाँ योगी आदित्यनाथ राज्य के मुखिया हैं और बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हथियाने के लिए पूरा जोर लगाया है। हालांकि मुख्य विपक्षी दल अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी राज्य के कई छोटे दलों के साथ समझौता कर चुनावी समर में उतरने को तैयार है, वहीं कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी भी लगातार हाथ पांव मार रही हैं। इन पार्टियों से मिल रही टक्कर के अलावा भी हाल में हुई कई घटनाओं को देखे तो लगता है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव आसान नहीं होने वाला है। अब वक्त बताएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार शपथ लेने का इतिहास रचेंगे या फिर सत्ता की सवारी किसी और के हाथों में जाएगी। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी चुनाव होने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी ने वापसी के लिए हर मुमकिन प्रयास शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने जिस तरह से 4.5 साल के अंदर ताबड़तोड़ 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, ऐसे में उसकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। फिलहाल पुष्कर सिंह धामी राज्य के मुखिया हैं, जिन्होंने चुनाव के करीब 7 से 8 महीने पहले ही कुर्सी संभाली है। ऐसे में चुनाव पार्टी शीर्ष नेतृत्व के दम पर लड़ा जाएगा। इधर कांग्रेस की भी लगातार कोशिश है कि 5 साल बाद फिर वो सत्ता में वापस लौटे। अब राज्य का अगला मुखिया कौन होगा, ये तो जनता ही तय करेगी। अब बात करते हैं उस एकमात्र राज्य की जिसकी सत्ता कांग्रेस के हाथों में है। पंजाब में कांग्रेस सत्तारूढ़ दल है, जो पार्टी के अंदरूनी झगड़ों से जूझ रही है। पंजाब में पार्टी का पंगा इतना बढ़ा कि अंतिम साल में कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेहद खफा होते हुए अलग पार्टी बना डाली। अब इतनी बड़ी फूट और उस पर भी रोज की किचकिच कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बाधा साबित हो सकती है। उस पर आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल और बसपा गठबंधन राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी और अकाली दल के एक अन्य गुट से गठबंधन कर लिया है, जो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी है। पंजाब, यूपी और उत्तराखंड के अलावा 2 छोटे राज्यों गोवा और मणिपुर में भी चुनाव होने हैं। इन दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। गोवा में प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं। चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि इस बार राज्य में चुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राज्य में पारस्परिक प्रतिद्वंद्वी बीजेपी और कांग्रेस के अलावा 2 अन्य दल भी चुनावी समर में किस्मत आजमा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस अपने पूरे दमखम के साथ चुनौती पेश करने की तैयारी में है। इसी तरह मणिपुर में बीजेपी के मुख्यमंत्री ए बीरेन सिंह राज्य में भगवा पार्टी के पहले मुख्यमंत्री हैं। अब देखना होगा कि बीरेन सिंह सत्ता बरकरार रखते हैं या फिर कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री का पद संभालता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।